हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी टेस्टी रेसिपी, ऐसी चटपटी रेसिपी जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट, जो सबकी फेवरेट होती है और एक बार नाम लेने पर बस खाने का मन करता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने यहाँ उबाल लिया है और अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रेट करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, वो बिल्कुल फटेंगी। तो चलिए, ऐसे ही मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब बड़ा बोल लेंगे और ग्रेट किए हुए आलू उसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, यानी कि कॉर्न स्टार्च। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है। आप इसकी जगह नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं, उसको पानी में थोड़ा डिप करके और फिर स्क्वीज करके उसको ले सकते हैं, यानी कि अच्छे से निचोड़ के हमें उसको इसमें ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ चाट मसाला लेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 2 चुटकी भरे हमने हींग ली है। हींग मैंने इसलिए ऐड की है ताकि ये टिक्कियाँ खाने में बहुत हैवी होती हैं, तो इनको डाइजेस्ट करने में हींग हमारी हेल्प करता है। ऐसे ही हम मिक्सर को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस मिक्सर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे इसमें मॉइस्चर है तो आप 1 से 2 चम्मच और इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसको थोड़ा सा हथेली पर लगाएंगे, या आप घी या तेल भी लगाकर इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा कॉर्नफ्लावर हथेली पर लगाकर इसको अच्छे से दबा दबा के टिक्की की हम इसको शेप देंगे। अच्छे से हमने यहाँ टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा हम कॉर्नफ्लावर इस पर लगाते रहेंगे ताकि जब हम इनको बनाएंगे या शैलो फ्राई करेंगे तो ये फटेंगी नहीं। ऐसे दबा दबा के हमने टिक्की की शेप देनी है। कॉर्नफ्लावर में इसको ऐसे कॉर्नफ्लावर इस पर लपेट देना है ताकि ये तवे पर भी चिपकेंगी नहीं और फटेंगी नहीं। बस एक्स्ट्रा को हमने निकाल देना है। ऐसे ही सारी टिक्कियाँ हम तैयार कर लेंगे। देखिए, ऐसे दबा दबा कर हम सारी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। तो चलिए, सारी टिक्कियां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। देखिए, इस पर हमने थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए लगाया है जब हम इसको तवे पर सैलो फ्राई करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। यहाँ मैंने तवे पर 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ऑयल लिया है। अब एक एक करके हम इसमें टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे ऐसे। मैं एक बार में 4 टिक्कियां शैलो फ्राई करूंगी, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि फिर इनको पलटने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको बस नीचे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनको पलट लेंगे ऐसे करके। एक तरफ से हमें चम्मच की सहायता से या बड़े चम्मच से हम इसको धीरे से पलट देंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हम सारी टिक्कियां पलट लेंगे। देखिए, कलर बहुत ही प्यारा आया है। ऐसे हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे।
एक बार और पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा हमारे टिक्की का कलर आया है। तो चलिए इन टिक्की को साइड में लगा देते हैं और एक टिक्की को हम बिल्कुल दबा के, जैसे आपने देखा होगा कभी खाने गए होगे आप चाट, तो टिक्की वाले भैया ऐसे ही दबा दबा के वो हर तरफ से उसको क्रंची करते हैं, यानी कि अगर ये ऐसे दबाकर हम इनके इनको सेकेंगे तो ये अंदर तक क्रंची हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी, जिनका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे, अंदर तक हमारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। अभी इसको निकाल लेते हैं। देखिए देखिए हमारे देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितनी क्रंची कितनी क्रिस्पी बनी है, ये बहुत ही लाजवाब बनी है और इसका कलर एकदम बढ़िया आया है। ऐसे ही हमने सारी टिक्कियाँ तैयार की कर ली हैं और 2 से 3 बड़े चम्मच तेल हमारे बच भी गए हैं, ये बहुत ही कम तेल में तैयार हो गई हैं। चलो अब चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने दही ली है, यहाँ मैंने इमली की चटनी ली है और ये मैंने धनिया की चटनी बनाई है। तो चलिए टिक्की चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 टिक्की ले ली है मैंने और इसको ऐसे तोड़ लिया है, जैसे टिक्की वाले भैया देते हैं चाट बना के, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे हम। तो चलिए अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल ताज़ा दही होना चाहिए। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड करके अच्छे से मैंने इसको बना लिया, तैयार कर लिया है। ये मैंने इमली की चटनी तैयार की है वो डाल देते हैं, यहाँ मैंने धनिया की चटनी जो बनाई थी वो ऐड कर देते हैं। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। अब थोड़ी सी दही और थोड़ी सी इमली की चटनी और थोड़ी सी फिर से हरी चटनी और थोड़ा सा 1 से 2 पिंच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ गाजर के और प्याज के और गोभी के, यानी कि पत्ता गोभी के मैंने यह स्लाइस लगा दिए हैं। आप इसे गार्निश कर सकते हैं या आप इसमें फ्रेशनेस के लिए अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत लाजवाब होते हैं। देखिए हमारी चटपटी चाट बनकर तैयार है। देखिए देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी, ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल सुपर टेस्टी बनी है हमारी आलू टिक्की चाट। इसको आप ऐसे ही तैयार करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए। तो चलिए बनाइए खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।